हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे सीआईबी के मॉड्यूल सी का यूनिट 22 ह्यूमन इम्प्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, उसका पार्ट 5। इसमें फ्रेंड हम लोग थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन एंड देयर प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज मोटिवेशन। तो मोटिवेशन जो है वो लैटिन वर्ड मूवियर यानी टू मूव से डिराइव किया गया है। तो मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कि मोटिवेशन इज एक्सटेंट ऑफ विलिंगनेस ऑफ एन एम्प्लॉय टू रिस्पॉन्ड टू द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट। कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका रिक्वायरमेंट है उसके थ्रू आपका जो एम्प्लॉय है वो कितना विलिंगली काम करता है वो उसके मोटिवेशन को दर्शाता है। तो मोटिवेशन इज ए प्रोसेस बिगनिंग फ्रॉम इनर स्टेट ऑफ ए पर्सन एंड एंडिंग विथ नीड फुलफिलमेंट। मतलब किसी भी पर्सन के इनर स्टेट से कोई प्रोसेस शुरू हो रहा है और जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ज़रूरत अगर उसकी फुलफिल हो रही है तो वो मोटिवेशन वहाँ पे ख़त्म होती है। तो द लेवल ऑफ मोटिवेशन ऑफ एन एम्प्लॉय कैन बी जज बाई हिज एक्चुअल वर्क बिहेवियर। किसी भी एम्प्लॉय का जो लेवल ऑफ मोटिवेशन है उसका जो एक्चुअल वर्क बिहेवियर है उसके थ्रू उसको जज किया जा सकता है। मोटिवेशन जो है वह एक बिहेवियरल कंसेप्ट है। तो फ्रेंड्स, हमारे बुक में थियोरीज ऑफ मोटिवेशन कुछ दिए गए हैं। तो ये टोटल हमारे यहाँ 10 जो है थियोरीज ऑफ मोटिवेशन है जिनको कि हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। तो चलिए, जो हमारा पहला है उसको हम लोग पहले देखते हैं। फर्स्ट है हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट और रैशनल इकोनॉमिक व्यू। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि हमने जो शुरू में देखा था कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं वो पैसों के लिए कर रहे हैं, तो उसी को यहाँ पे कुछ बताया गया है। तो ये देखिए, F.W. टेलर हैं जिनको कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। उन्होंने ये बताया है कि ही बिलीव्स दैट द बेस्ट वे टू इंक्रीज आउटपुट वाज टू इम्प्रूव द टेक्निक्स एंड मेथड्स यूज बाई वर्कर्स। वर्कर हैड टू एडजस्ट द मैनेजमेंट एंड नॉट द मैनेजमेंट टू द पीपल। यहाँ पे एक और लाइन बोल रहा है फ्रेंड्स कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स अप्लाइड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क एट द ऑपरेशनल लेवल फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसमें मेथड और टेक्निक्स अप्लाई किए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि ऑपरेशनल लेवल पे अप्लाई किए जाते हैं, ताकि उसका मेन जो पर्पस होता है टेक्निक्स को अप्लाई करने का कि उसकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाए। तो वो ये सोचते थे जो F.W. टेलर थे कि इंक्रीज आउटपुट वॉज टू इम्प्रूव द टेक्निक एंड मेथड्स यूज बाई वर्कर। जो भी हम लोगों का टेक्निक्स में जो हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं और जो भी मेथड जो हमारे वर्कर यूज कर रहे हैं, अगर हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट जो है वो भी इंक्रीज होगा। तो उसके लिए वर्कर्स को क्या करना होगा, वर्कर्स हैड टू एडजस्ट टू द मैनेजमेंट एंड नॉट द मैनेजमेंट टू द पीपल। मतलब इसके लिए वर्कर्स को मैनेजमेंट के थ्रू एडजस्ट करना होगा, ना कि मैनेजमेंट को वर्कर्स के लिए एडजस्ट करना होगा। तो टेलर्स लॉजिकल एंड रैशनल अप्रोच टू मैनेजमेंट एक्सप्लेन दैट पीपल आर प्राइमरली मोटिवेटेड बाय इकोनॉमिक कंसिडरेशन। तो उनका ये कहना था कि लोग जो है प्राइमरली मोटिवेटेड होते हैं किस चीज़ के लिए, इकोनॉमिक कंसिडरेशन के लिए, एंड विल एग्जर्ट मोर इफ ऑफर्ड अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक गेंस। और अगर उनको बताया जाए कि आपको ज़्यादा इकोनॉमिक गेंस होने वाला है अगर आप उनको ज़्यादा पे आउट करेंगे तो वो ज़्यादा एफर्ट लगा के काम करेंगे। तो इसीलिए टेलर ने जो यहाँ पे थ्योरी दिया है उनका थ्योरी यही चीज़ बोलता है कि फिजिकल वर्क कुड बी साइंटिफिकली स्टडीड टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल मेथड ऑफ परफॉर्मिंग ए जॉब। मतलब फिजिकल वर्क जो है अगर हम उसे साइंटिफिकली स्टडी करें तो हमें सबसे पहले वो मेथड की स्टडी करनी होगी जहाँ पे कोई आपका जो वर्कर या लोग हैं वो उनका जॉब जो है वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करते हैं। दूसरा है, वर्कर्स कुड देयरफॉर बी मेड मोर एफिशिएंट बाय गिविंग प्रिस्क्रिप्शंस फॉर हाउ दे वेयर टू डू देयर जॉब। वर्कर्स को ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए उनको ये दिया जाता है, एक प्रिस्क्रिप्शन टाइप का दिया जाता है कि उनको कोई भी काम किस तरीके से करना है। वर्कर्स वुड बी विलिंग टू एडहेयर टू दिस प्रिस्क्रिप्शन इफ पेड ऑन ए डिफरेंशियल पीस वर्क बेसिस। तो वर्कर जो है वो और भी अच्छे तरीके से काम करेंगे, कब काम करेंगे, जो उनको तरीका दिया गया है काम करने का कि उनको कैसे करना है, अगर उनको पीस वर्क बेसिस मतलब एक काम के लिए ये इतना अगर उनको वेज मिलेगा, दूसरे काम के लिए इतना मिलेगा, हर काम के लिए अगर अलग अलग उनको वेज डिसाइड करके दिया जाए तो वो उसको काम करने के लिए विलिंगनेस अपना दिखाएंगे। फिर बोल रहा है कि द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉब्लम विथ टेलर्स अप्रोच फ्रॉम ए मोटिवेशनल व्यू पॉइंट इज कंसर्न विथ हिज रैदर सिंपलिस्टिक एजम्पशन अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। जो टेलर का जो ये अप्रोच था फ्रेंड्स, इसको काफ़ी लोगों ने
बोला कि ये ठीक नहीं है, इसको काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया, क्योंकि उनका मानना था कि यहाँ पे वर्कर्स को डीह्यूमनाइज्ड किया जा रहा है, उनके साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो है ह्यूमन बिहेवियर की बात हो रही है, यहाँ पे कोई मोटिवेशन की बात नहीं है। टेलर्स बिलीव दैट वर्कर्स वुड बी मोटिवेटेड मोर बाय द नीड फॉर मनी। टेलर्स ये समझते थे कि वर्कर्स को ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है, अगर किया जा सकता है अगर उनको पैसे की ज़रूरत हो तो। इस एजम्पशन को हम लोग रैबल हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो इसको फ्रेंड्स याद रखिएगा, रैबल हाइपोथेसिस किसको किसको कहते हैं कि वर्कर्स वुड बी मोटिवेटेड मोर बाय द नीड फॉर मनी। अभी नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड मॉडल है दैट इज ह्यूमन रिलेशन मॉडल। तो पहले हमने देखा फ्रेंड्स कि रेशनल इकोनॉमिक व्यू था, अभी नेक्स्ट आया ह्यूमन रिलेशन। ह्यूमन रिलेशन मॉडल में क्या था कि एल्टन मायो ने 1920 और 1930 में जो उनका हाउथोर्न ने स्टडीज जो कंडक्ट किया था, तो उसमें उन्होंने देखा था कि द रियल पावर सेंटर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर द इंटरपर्सनल रिलेशन, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है, हमने पीछे चैप्टर में भी देखा था फ्रेंड्स कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्रो तभी कर पाती है जब उनके जो लोग हैं उनके अंदर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अगर सही हो और पॉजिटिव हो। द मेन फोकस वाज ऑन इंडिविजुअल नीड्स रैदर देन द ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। जो ह्यूमन रिलेशन मॉडल होता है उसमें जो इंडिविजुअल के नीड्स होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स पे कम फोकस किया जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मैनेजर कुड मोटिवेट इम्प्लॉयज़ बाय एक्नॉलेजिंग देयर सोशल नीड्स एंड बाय मेकिंग देम फील यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट। तो मेयो और ये जो दूसरे उनके जो पार्टनर्स थे वो ये बिलीव करते थे कि मैनेजर जो है वो अपने इम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं। कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? अगर उनको पता हो कि उनकी सोशल नीड्स क्या है और वो उनको यूजफुल और इम्पॉर्टेंट अगर वो उनको बनाए तो वो उनको मोटिवेट कर सकते हैं। एम्प्लॉय वेयर गिवेन सोशल नीड्स का मतलब फ्रेंड्स होता है कि एक पर्सन जो है वो अपने आप को कितना समाज में हमने पीछे भी देखा था कि उसका महत्व कितना है, उसको लोग कितने पहचान रहे हैं, उसको क्या रिवॉर्ड मिल रहा है, तो उसकी क्या स्टेटस है, ये सारी चीज़ें उसके सोशल नीड्स में आती हैं। तो एज अ रिजल्ट एम्प्लॉयज़ वी आर गिवेन सम फ्रीडम टू मेक देयर ओन डिसीजन ऑन देयर जॉब्स। तो इस तरीके के जो इन्वायरमेंट होते थे, वर्किंग इन्वायरमेंट, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को ये फ्रीडम होती थी कि वो अपना डिसीजन जो है अपने जॉब में दे सकते थे। साइंटिफिक मैनेजमेंट मॉडल, इन द साइंटिफिक मैनेजमेंट मॉडल द वर्कर्स वी आर एक्सपेक्टेड टू एक्सेप्ट मैनेजमेंट्स अथॉरिटी इन रिटर्न फॉर हायर वेजेज। इन द ह्यूमन रिलेशन मॉडल वर्कर्स वेयर एक्सपेक्टेड टू एक्सेप्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी बिकॉज सुपरवाइजर्स ट्रीटेड देम विद कंसिडरेशन एंड वेयर अटेंटिव टू देयर नीड्स। साइंटिफिक मैनेजमेंट मॉडल्स में क्या होता था कि वर्कर्स जो होते थे उनको मैनेजमेंट को एज अ अथॉरिटी एक्सेप्ट करना पड़ता था और बदले में उनको हायर वेजेस मिलती थी। लेकिन ह्यूमन रिलेशन मॉडल्स में क्या होता था कि वर्कर जो है वो मैनेजमेंट की अथॉरिटी एक्सेप्ट करते थे क्योंकि उनके जो सुपरवाइजर्स होते थे उनको कंसिडर करते थे, उनको अटेंशन देते थे और उनकी जो नीड होती थी उसके पे भी ध्यान देते थे। द प्रॉब्लम विद द ह्यूमन रिलेशन मॉडल इज इट्स अनड्यू रिलायंस ऑन सोशल कॉन्टैक्ट एट वर्क सिचुएशन फॉर मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। तो ये ह्यूमन रिलेशन मॉडल में एक प्रॉब्लम होती थी फ्रेंड्स कि वहाँ पे क्या है, सोशल कॉन्टैक्ट जो है वर्क सिचुएशन में क्रिएट करना और उसको उसी तरीके से चलाना बहुत मुश्किल होता था और एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। अभी नेक्स्ट जो हमारा तीसरा मॉडल है वो है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है फ्रेंड्स, ये एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछता है। तो यहाँ पे क्या है कि एक अब्राहम मैस्लो थे, साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम यूएसए। उन्होंने उनका एक हायरार्की ऑफ नीड्स का एक थ्योरी दिया था जिसमें कि उन्होंने पांच तरह के जो नीड है ह्यूमन के उनको आइडेंटिफाई किया था जो कि हायरार्की ऑर्डर में होते थे, जिसमें पहला है साइकोलॉजिकल नीड्स, दूसरा है सेफ्टी नीड्स, सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स, तीसरा है सोशल नीड्स, चौथा है सेल्फ एस्टीम नीड्स और पांचवा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो उनका ये मानना था कि व्हेन अ नीड इज सेटिस्फाइड देन ओनली द नेक्स्ट नीड बिकम्स, मतलब एक नीड किसी ह्यूमन की सेटिस्फाई होगी तो उसके बाद उसकी दूसरी नीड शुरू होगी। तो पहला है साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स में देखिए फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है फूड, ड्रिंक, शेल्टर, ऑक्सीजन, स्लीप, मतलब उसके जो बेसिक नीड्स जो होते हैं किसी भी पर्सन के, तो साइकोलॉजिकल नीड्स में वही बोला हुआ है, जैसे किसी को खाना, पानी, शेल्टर, ऑक्सीजन, तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत होगी तो वो उसका साइकोलॉजिकल नीड्स में क्लासिफाइड होगा। इसमें दे रहा है कि इन द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट साइकोलॉजिकल नीड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द
इम्प्लॉयज कंसर्न फॉर सैलरीज एंड गुड फिजिकल वर्किंग कंडीशन। तो साइकोलॉजिकल नीड्स जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी सैलरी और अच्छी वर्किंग कंडीशन के थ्रू दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो है सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स। सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स में फ्रेंड हम लोग देखते हैं कि सेफ्टी नीड्स बिकम मोटिवेटर्स आफ्टर साइकोलॉजिकल नीड्स आर मेट। जैसे कि हमने पहले देखा कि मैस्लो ने ये कहा है कि जब इंसान की एक नीड पूरी हो जाएगी तब दूसरी नीड शुरू होगी। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे जॉब सिक्योरिटी हो गया, सैलरी इंक्रीज हो गया, सेफ वर्किंग कंडीशन हो गया, यूनियनाइजेशन हो गया, लॉबिंग फॉर प्रोटेक्टिंग लेजिस्लेशन हो गया। फिर इसमें तीसरा जो आता है दैट इज सोशल नीड्स। सोशल नीड्स क्या है कि सोशल नीड्स रिप्रेजेंट द नीड फॉर ए कॉम्पैटिबल वर्क ग्रुप, पीयर एक्सेप्टेंस, प्रोफेशनल फ्रेंडशिप एंड फ्रेंडली सुपरविजन। कि किसी भी यहाँ पे दे रहा है कि दिस नीड इज एक्सप्रेस थ्रू द डिजायर टू बिलोंगिंग एंड अफेक्शन इन ए सोशल कॉन्टेक्स्ट। मतलब आपको कितना ग्रुप में पहचाना जा रहा है, आपको कितना अपनाया जा रहा है, आपको कितना एक्सेप्ट किया जा रहा है, आप ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें बताई गई हैं, जिसमें कि बोल रहा है कि नीड फॉर कंपैटिबल, आपका वर्क ग्रुप जो है वो काफ़ी अच्छा हो, पीयर एक्सेप्टेंस हो, सब लोग आपको पसंद करें, प्रोफेशनल फ्रेंडशिप हो, आपके लोग जो हैं आपके साथ जो काम कर रहे हैं वो आपको फ्रेंडली बिहेव करें, और आपके जो मैनेजर्स हैं सुपरवाइजर हैं वो भी आपके साथ फ्रेंडली बिहेव करें। तो ये आपका सोशल नीड्स हो गया। फिर नेक्स्ट बोल रहा है सेल्फ एस्टीम नीड्स। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, ये जो सेल्फ एस्टीम नीड्स है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है, इसमें कई बार IIBF में कन्फ्यूजन करके क्वेश्चन क्रिएट करता है। तो जो सेल्फ एस्टीम नीड्स है दैट इज फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन एंड फॉर रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, आर ऑफन रेफर टू एज ईगो और स्टेटस नीड्स। जो सेल्फ रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन के लिए या फिर रिस्पेक्ट के लिए जो भी हमारी नीड होती है, तो ये बेसिकली जो है ईगो या स्टेटस नीड्स भी इसको हम लोग कह सकते हैं। द सेटिस्फैक्शन ऑफ दिस नीड्स जनरेट्स अ फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर ये नीड हमारी सेटिस्फाइड होती है तो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की फीलिंग जो है वो जनरेट होती है, और अगर हम लोग इसमें सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो हमारे अंदर इन्फीरियोरिटी, इंडेपेंडेंस, वीकनेस और हेल्पलेसनेस जो है, इस तरीके के फीलिंग्स जो है वो क्रिएट होंगे। तो सेल्फ एस्टीम मेनली क्या है, इज बेस्ड ऑन अर्न रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स रादर देन ऑन फेम, स्टेटस और एडल्टेशन। और हमारा इसमें जो पांचवा नीड है, लास्ट नीड, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स कोरिलेट टू द डिजायर फॉर एक्सीलेसिंग इन वंस जॉब, एडवांसिंग एन इम्पॉर्टेंट आइडिया, सक्सेसफुली मैनेजिंग द यूनिट एंड द लाइक। मतलब कि आप अगर एक जॉब कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उस जॉब में अगर आप और भी ज़्यादा आगे जाना चाहते हो, एक्सीलेंसी पाना चाहते हो, या उसको एडवांस या इम्पॉर्टेंट आइडिया उसमें इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो वो हमारा जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। मतलब ये आपका सबसे फाइनल नीड होना चाहिए। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि दिस लेवल ऑफ नीड्स एनकंपासेस द एबिलिटी टू अकॉम्प्लिश एंड अचीव समथिंग इन लाइफ। मतलब आपके लाइफ में कुछ अचीव करने का यहाँ पे आपको नीड रहेगी, जो कि मैक्सिमाइज वंस पोटेंशियल, किसी भी पर्सन की जो मैक्सिमाइज पोटेंशियल होती है वो इसी नीड में आती है, एंड द डिजायर टू बिकम वन वाट वन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग। और एक जो इंसान जो बनना चाहता है वो उसकी डिजायर जो है इसमें वो कैपेबल हो जाता है वो चीज बनने की। तो अभी यहाँ पे बोल रहा है कि मैस्लो ने कहा कि अगर लोअर लेवल नीड्स मस्ट बी फर्स्ट सेटिस्फाइड बिफोर द हायर लेवल नीड्स। पहले हमारा जो लोअर लेवल नीड्स है वो पहले सेटिस्फाइड होगा और जो हायर लेवल नीड्स है वो बाद में सेटिस्फाइड होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो चौथा है फ्रेंड्स हमारा, वो है हर्ज़बर्ग टू फैक्टर और मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। इसको फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने 1959 में दिया था। तो ये इन्होंने एक स्टडी कंडक्ट किया था USA में, जहाँ पे उन्होंने अराउंड 200 अकाउंटेंट्स और इंजीनियर्स जो कि 11 इंडस्ट्रीज में पिट्सबर्ग में काम करते थे, तो उनके डेटा लिए और उसको एनालाइज किया। तो उन्होंने दो डेटा लिए थे। पहला जो था उनका रिलेटेड था कि व्हेन डिड यू फील पर्टिकुलरली गुड अबाउट योर जॉब, व्हाट टर्न यू ऑन, एंड व्हेन डिड यू फील एक्सेप्शनली बैड अबाउट योर जॉब, व्हाट टर्न यू ऑफ। मतलब आपको क्या अच्छा लगता है आपके जॉब में जो आपको प्रोत्साहित करता है,
और क्या आपको खराब लगता है आपके जॉब में जो कि आपको हतोत्साहित करता है। ही देन आस्क देम टू डिस्क्राइब द कंडीशन दैट लेड टू दिस फीलिंग्स। उसके बाद उन्होंने कंडीशन डिस्क्राइब किया जो कि इस तरीके के फीलिंग को दर्शाती है। तो उन्होंने देखा कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर जॉब सेटिस्फैक्शन आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द फैक्टर्स दैट लीड टू डिससेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन के फैक्टर अलग थे और डिससेटिस्फैक्शन के फैक्टर अलग थे। तो गुड फीलिंग जो थी वो रिपोर्टेड गुड फीलिंग वेयर जनरली एसोसिएटेड विद जॉब एक्सपीरियंस एंड जॉब कंटेंट, एंड बैड फीलिंग जनरली एसोसिएटेड विद द सराउंडिंग पेरिफेरल्स एस्पेक्ट ऑफ द जॉब एंड द जॉब कंटेक्स्ट। जो गुड फीलिंग थी वो उनके एक्सपीरियंस और जॉब कंटेंट से रिलेटेड थी, और जो बैड फीलिंग थी वो उनके सराउंडिंग पेरिफेरल्स और जॉब के कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड थी। तो यहाँ पे देखिए जो दो हाइपोथेसिस उन्होंने दिए हैं, तो उसमें क्या है कि फैक्टर्स लीडिंग टू जॉब सेटिस्फैक्शन एंड द फैक्टर्स लीडिंग टू जॉब डिससेटिस्फैक्शन, इसमें दो फैक्टर उन्होंने क्लासीफाई किए थे। पहला था मोटिवेशनल फैक्टर और दूसरा था हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर। भाई देखते हैं मोटिवेशनल फैक्टर क्या है। मोटिवेशनल फैक्टर जो है वो जॉब से डायरेक्टली रिलेटेड है, और इनका जो प्रेजेंस होता है वो किसी भी पर्सन को हाईली मोटिवेट करता है किसी भी सिचुएशन में। लेकिन अगर ये इनका एब्सेंस अगर ये नहीं है तो ये किसी तरह का डिससेटिस्फैक्शन नहीं क्रिएट करते हैं। तो हर्जबर्ग ने ऐसे 6 फैक्टर को यहाँ पे क्लासिफाई किया है। पहला है रिकॉग्निशन, एडवांसमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट, पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ एंड वर्क इटसेल्फ। फिर नेक्स्ट जो है हमारा सेकंड, हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर है हर्जबर्ग थ्योरी में। तो इसमें भी बता रहा है फ्रेंड्स कि इनका जो प्रेजेंस है वो किसी भी इम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, लेकिन अगर उनका एब्सेंस है तो वो किसी तरह का डिससेटिस्फैक्शन जो है वो क्रिएट नहीं करेगा। तो यहाँ पे 10 फैक्टर्स उन्होंने दिए हैं। जो पहले वाला था उसमें 6 फैक्टर्स है मोटिवेशनल में, और हाइजीन में 10 फैक्टर्स हैं। तो क्या क्या है वो फैक्टर्स? पहला है कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निकल सुपरविजन, इंटरपर्सनल रिलेशंस विद सबॉर्डिनेट्स, सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, पर्सनल लाइफ, वर्किंग कंडीशन, स्टेटस, इंटरपर्सनल रिलेशंस विद सुपरवाइजर्स, इंटरपर्सनल रिलेशंस विद पीयर्स एंड कलीग्स। अभी नेक्स्ट जो हमारा 5th जो थ्योरी है फ्रेंड्स वो है ERG थ्योरी। तो ERG का यहाँ पे मतलब दिया हुआ है E से एग्जिस्टेंस, R से रिलेटेडनेस और G से ग्रोथ। ये है आपका ERG थ्योरी। तो ये क्या है? 3 सेट्स ऑफ नीड है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में। इनको क्लेटन एल्डरफर ने दिया था, ठीक है। तो इन्होंने जो मैस्लो का जो नीड था उसी नीड को इन्होंने इम्पोर्टेंट दिया है, लेकिन इन्होंने ये जो नीड दिया है इन्होंने उसको सर्वाइवल और ग्रोथ से रिलेट किया है। तो हाउ एवर द ERG थ्योरी डिफर्स फ्रॉम द मैस्लो थ्योरी इन फॉलोइंग रिस्पेक्ट्स। और मैस्लो थ्योरी से ये 3 एस्पेक्ट्स में डिफर है। क्या क्या है वो एस्पेक्ट्स? पहला जो है, इंस्टेड ऑफ 5 लेवल्स ऑफ नीड्स द ERG थ्योरी इंडिकेट्स ओनली 3। मैस्लो में हमने देखा था वहां पे 5 लेवल ऑफ नीड्स थे, लेकिन ERG में क्या है, केवल 3 लेवल्स ऑफ नीड्स हैं। सेकेंड है, मैस्लो थ्योरी पोस्टुलेट्स ए रिजिड स्टेप लाइक प्रोग्रेशन। जो मैस्लो थ्योरी में हमने देखा था कि वहां पे उन्होंने कहा था कि एक नीड जो है वो खत्म होगी तब उनकी दूसरी नीड शुरू होगी किसी भी पर्सन की, लेकिन ERG थ्योरी में बता रहा है कि मोर देन वन नीड मे बी ऑपरेटिव एट अ सेम टाइम, कि एक साथ मनुष्य के 2 या 3 या उससे ज्यादा नीड जो है वो ऑपरेटिव हो सकते हैं। थर्ड है, मैस्लो आर्ग्यूज दैट अ पर्सन विल स्टे एट अ सर्टेन लेवल अंटिल दैट नीड इज सेटिस्फाइड। मैस्लो ने कहा था कि पर्सन जो है किसी भी एक लेवल पे तब तक रहता है जब तक कि उसकी नीड सेटिस्फाइड नहीं होती है, उसके बाद फिर वो नेक्स्ट लेवल पे जाता है। लेकिन ERG ने इसको काउंटर किया, उन्होंने कहा कि व्हेन अ हायर लेवल नीड इज फ्रस्ट्रेटेड द इंडिविजुअल डिजायर टू इंक्रीज अ लोअर लेवल नीड टेक्स प्लेस। अगर किसी हायर लेवल नीड पे अगर कोई पर्सन जो है वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है तो वो वापस से उसके लोअर लेवल ऑफ नीड पे चलाएगा। अब नेक्स्ट जो 6 है हमारा फ्रेंड्स वो है अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। तो अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी जो है उसमें क्या कहता है कि दिस थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय डेविड सी मैक्सिलेट। तो इन्होंने यहाँ पे 3 नीड बताई है मोटिवेशन की, जिसको नाम दिया है उन्होंने नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर और नीड फॉर एफिलिएशन। तो नीड फॉर अचीवमेंट में बता रहा है फ्रेंड्स कि कोई भी इम्प्लॉय जो है अगर वो
कोई भी चीज हाईली अचीव करना चाहता है और उसी से उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो वो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेट रहेगा। ठीक उसी तरह नीड फॉर पावर में भी, अगर कोई पर्सन को पावर डिराइव अगर सेटिस्फेक्शन मिलता है और उसकी एबिलिटी है कि वो दूसरे को कंट्रोल करे, वो लोगों को कंट्रोल करे, रिसोर्स को कंट्रोल करे, तो ये एक्चुअल अचीवमेंट ऑफ गोल इज लेस इंपॉर्टेंट टू देम देन द मीन्स बाई विच गोल्स आर अचीव्ड। जो किसी भी गोल का जो एक्चुअल अचीवमेंट होता है वो उनके लिए लेस इंपॉर्टेंट होता है। उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आप उस गोल को कैसे अचीव कर रहे हो, वो जो मीडियन मोड जो होती है वो उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो इंडिविजुअल्स विद ए हाई नीड फॉर पावर डिराइव सेटिस्फेक्शन फ्रॉम बीइंग इन पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल। तो उनको कोई भी जो इन्फ्लुएंस वाली पोजीशन होगी या कंट्रोल करने वाली पोजीशन होगी वो उनको ज़्यादा पसंद होगी, जैसे मिलिट्री, सिविल सर्विस, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट जो है इसका तीसरा इसमें पार्ट है नीड फॉर एफिलिएशन। अब जैसे कुछ लोगों को नीड फॉर पावर की ज़रूरत होती है, तो वैसे कुछ लोग जो है उनको एफिलिएशन पसंद है। उनको ये उनको तभी सेटिस्फेक्शन मिलती है जब उनमें वो सोशल इंटरपर्सनल एक्टिविटीज़ के साथ अगर वो काम करते हैं। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग नीड फॉर इंटरपर्सनल टाइज एंड टू गेट क्लोज टू पीपल साइकोलॉजिकली। तो उनको क्या है कि उनको लोगों के साथ काम करना, बात करना अच्छा लगता है, लोगों के साथ क्लोजर होना अच्छा लगता है। एक तरह से उनमें एक सोशलिज्म की वो बिहेवियर रहती है। तो इफ आस्ट टू चूज बिटवीन वर्किंग एट अ टास्क विद दोज हु आर टेक्निकली कॉम्पिटेंट एंड दोज हु आर देयर फ्रेंड। अगर ऐसे पर्सन से आप पूछो कि आपको दो तरह के लोग दे दिए जाते हैं, एक जो टेक्निकली काम करने में काफ़ी अच्छे हैं और एक जो है कि वो आपके फ्रेंड हैं, तो इस तरीके के लोग जो हैं वो हमेशा अपने फ्रेंड को ही चूज़ करेंगे, उनके साथ ही काम करना पसंद करेंगे। नेक्स्ट जो है ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल। तो इसको अलग अलग नाम भी हैं फ्रेंड्स, इसको इंस्ट्रूमेंटेलिटी थ्योरी भी कहते हैं, पाथ गोल थ्योरी भी कहते हैं, बैलेंस इंस्ट्रूमेंटेलिटी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी भी कहते हैं, और इसको विक्टर एच व्रूम ने डेवलप किया था। तो इसमें जो मेन चीज़ है फ्रेंड्स वो है नेचर ऑफ द रिवॉर्ड, कि इसमें मोटिवेशन तभी डिटरमाइन की जा सकती है जबकि लोग जो हैं जो नेचर ऑफ रिवॉर्ड वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी भी जॉब परफॉर्मेंस में उनको वो मिल रही है तो ही उसको वो मोटिवेट करेगा। तो यहाँ पे इसके तीन एलिमेंट्स दिए गए हैं एक्सपेक्टेंसी के, क्या क्या आपके एक्सपेक्टेंसी हैं। पहला है एक्सपेक्टेंसी, दूसरा है इंस्ट्रूमेंटेलिटी और तीसरा है आपका बैलेंस। तो एक्सपेक्टेंसी क्या है कि पर्सन्स परसेप्शंस ऑफ द लाइकलीहुड दैट अ पर्टिकुलर आउटकम विल रिजल्ट फ्रॉम ए पर्टिकुलर बिहेवियर और एक्शन। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि अगर आपका जो एक्सपीरियंस है किसी भी काम से तो उससे जो आपको रिजल्ट मिला है, तो आप अगर दूसरा कुछ काम करते हैं तो आपको जो आपने पहले काम कर रखा है दूसरे काम से भी आपको उसी तरह की एक्सपेक्टेशन होती है। जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल के थ्रू दिया है कि इफ़ ए स्टूडेंट वर्क्स हार्ड ड्यूरिंग द सेमेस्टर ही विल एक्सपेक्ट टू डू वेल वेल इन द फाइनल एग्जामिनेशन थ्रू ही कैन नॉट बी 100% श्योर। अगर कोई एक स्टूडेंट है जिसने कि सेमेस्टर में काफ़ी अच्छा मेहनत किया है तो वो ये भी एक्सपेक्ट करेगा कि जो फाइनल एग्जामिनेशन है उसमें भी उनको अच्छा परफॉर्मेंस वो करेंगे, लेकिन वो इसके लिए 100% श्योर नहीं रहते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है इंस्ट्रूमेंटेलिटी। इंस्ट्रूमेंटेलिटी क्या है? इंस्ट्रूमेंटेलिटी है इट इज़ द डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ फर्स्ट लेवल आउटकम ऑफ ए पर्टिकुलर एफर्ट टू द सेकेंड लेवल आउटकम विच इज अल्टीमेट रिवॉर्ड। इसमें क्या है कि दो लेवल का आपका ये रहता है कि आउटकम आपको मिलेगा, पहले लेवल के आउटकम से आप ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, फिर आप दूसरे लेवल के लिए आप काम करना शुरू करते हैं। तो वही इसमें दे रहा है कि जैसे वर्किंग हार्ड में लीड टू बेटर परफॉर्मेंस विच इज़ द फर्स्ट लेवल आउटकम। आपने बहुत अच्छा काम किया तो आपको आपका परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा हुआ तो ये आपका फर्स्ट लेवल आउटकम हुआ। इट मे रिजल्ट इन ए रिवॉर्ड सच एज सैलरी इंक्रीज और प्रमोशन और बोथ। और ये जो है इसकी वजह से आपको रिवॉर्ड में आपकी सैलरी बढ़ी या आपको प्रमोशन मिला तो ये आपका सेकंड लेवल आउटकम है। ये फ्रेंड्स परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशनशिप भी होता है कि आपका जितना अच्छा परफॉर्मेंस होगा और उसमें आपको रिवॉर्ड मिलेगा, तो ये एक तरह से मतलब यहाँ पे आपका टू लेवल जो है वो आपको आउटकम मिलेगा तो ही आप मोटिवेट होंगे। और नेक्स्ट जो है बैलेंस, बैलेंस मतलब रिवॉर्ड।
बैलेंस इज द वैल्यू अ पर्सन असाइन टू हिज डिजायर्ड रिवॉर्ड। इसका मतलब यह है कि आपने किसी काम को करने के लिए सोचा है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो रिवॉर्ड अगर आपको मिलता है तभी आप आगे मोटिवेट होते हैं काम करने के लिए, और अगर आपको उस तरीके का रिवॉर्ड नहीं मिलता है तो आप मोटिवेट नहीं होते हैं काम करने के लिए। वही इसमें बोल रहा है कि वैल्यू ए पर्सन असाइन टू हिज डिजायर्ड रिवॉर्ड, ही मे नॉट बी विलिंग टू वर्क हार्ड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस इफ द रिवॉर्ड फॉर सच इम्प्रूव परफॉर्मेंस इज नॉट वॉट ही डिजायर्स। इट इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द रिवॉर्ड बट द परसेप्चुअल वैल्यू ऑफ द रिवॉर्ड इन द माइंड ऑफ द पर्सन। अभी नेक्स्ट जो है हमारा 8th, दैट इज एडम्स इक्विटी थ्योरी। एडम्स इक्विटी थ्योरी जो है फ्रेंड्स, वो जेम्स स्टैकी एडम्स ने दिया था। इस थ्योरी में क्या क्या है देखिए, इस थ्योरी में किसी भी पर्सन को मोटिवेट करने के लिए चार कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। पहला है पर्सन। पर्सन का मतलब है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कह रहा है कॉन्टेक्स्ट में कि यहाँ पे द इंडिविजुअल फॉर हुम इक्विटी और इनइक्विटी एग्जिस्ट। मतलब यहाँ पे इक्विटी और इनइक्विटी का मतलब है कि एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन से काम करने में अगर कम है तो वो इनइक्वल है उससे। तो अगर उसको, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक पर्सन देखता है कि दूसरा पर्सन जो है वो उससे ज़्यादा काम कर रहा है, तो वो अपने आप को मोटिवेट करेगा कि मैं भी उतना काम करूं, तो वही पर्सन जो है वो उसके लिए वहाँ पे मोटिवेशन का काम करेगा। नेक्स्ट है कंपैरिजन। कंपैरिजन में भी सेम चीज़ है कि अगर कोई इंडिविजुअल या ग्रुप जो है, आप उसके साथ अपने आप को, खुद को कंपेयर करोगे कि हाँ वो आदमी का इतना आउटकम आ रहा है, इतना इनपुट आ रहा है, तो आप भी अपना आउटकम और इनपुट जो है उसके अकॉर्डिंग जो है आप मोटिवेट करोगे और उसको आप अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करोगे। यहाँ पे है इनपुट्स। अब इनपुट्स यहीं से डिराइव होता है फ्रेंड्स, कैरेक्टरिस्टिक विच इंडिविजुअल्स ब्रिंग विद देम टू द जॉब, नेमली एजुकेशन, नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, एक्सपीरियंस। इनपुट्स का मतलब है कि अब भी मान लीजिए कि आपने अपने साथ कुछ इनपुट्स किसी भी जॉब में ला रखे हैं, जैसे आपका जो एजुकेशन है, आपकी नॉलेज है, आपकी स्किल्स है, आपके एटीट्यूड है, और वही इनपुट्स आप दूसरे से भी देख रहे हो कि दूसरा पर्सन जो है वो भी अपने कुछ इनपुट्स लगा रहा है, तो आप मोटिवेट हो गए कि हाँ जब वो लगा रहा है तो हमें भी अपना इनपुट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में लगाना चाहिए। तो इस तरह से ये भी जो है वो आपके लिए मोटिवेशन फैक्टर का काम करेगा। फिर नेक्स्ट है आउटकम्स। अब जैसे आउटकम्स कुछ हो गए कि आप जो काम करोगे उससे आपको सैलरी मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी, परक्विजिट्स मिलेगा, जो कि आप जिस काम में कर रहे हो उस काम से आपको मिल रहा है, तो वो आउटकम भी आपको मोटिवेट करता है कोई भी काम को करने के लिए। वो यहाँ पे दे रहा है कि द ग्रेटर द फेल्ट इनइक्विटी द ग्रेटर वुड बी द मोटिवेशन टू रिड्यूस इट। तो अगर आपका आप फील करते हो कि आप दूसरों के मुकाबले आप काफ़ी कम हो या इनइक्वल हो, तो आपका मोटिवेशन जो है वो ज़्यादा होगा इसको, इनइक्विटी को कम करने के लिए। अब नेक्स्ट जो हमारा नवा टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है पोर्टर्स परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन मॉडल। इसको लेमन डब्ल्यू पोर्टर और एडवर्ड ई लॉयर ने दिया था। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसमें कहा गया है कि दिस मॉडल स्टार्ट विद द प्रेमिसेस दैट मोटिवेशन जो है वो आपका कभी भी सेटिस्फैक्शन और परफॉर्मेंस के से इक्वल नहीं होता है। मतलब आपका मोटिवेशन, सेटिस्फैक्शन और परफॉर्मेंस, इसको आप ऐसे देखिए फ्रेंड्स, आपका मोटिवेशन, परफॉर्मेंस और सेटिस्फैक्शन। आप मोटिवेशन, मोटिवेट होंगे तो आप परफॉर्म करोगे, परफॉर्मेंस से आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकती हैं। ये अलग अलग सेपरेट वेरिएबल्स में और डिफरेंट वेज में एक दूसरे को रिलेट करती हैं। फिर दूसरा बोलता है कि एफर्ट, एफर्ट डज नॉट डायरेक्टली लीड टू परफॉर्मेंस, इट इज मीडिएटेड बाई एबिलिटी, स्ट्रेट एंड रोल परसेप्शन। आप जो एफर्ट लगा रहे हैं तो एफर्ट लगाने का ये मतलब नहीं है कि वो डायरेक्ट आपको परफॉर्मेंस को लीड करेगा। ये एक मीडियम हो सकता है आपके एबिलिटी को, आपके ट्रेट को, आपके रोल को ज़्यादा मोटिवेट करने में, ताकि आपका परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर से बेहतर हो सके। और तीसरा जो है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड क्या है, द रिवॉर्ड दैट फॉलोज एंड हाउ दीज आर परसीव विल डिटरमाइन सेटिस्फैक्शन। तो रिवॉर्ड ही जो है वो आपका सेटिस्फैक्शन है कि आप जो अपना काम कर रहे हो, आपको जिस चीज़ से मोटिवेशन मिली तो उससे आपका परफॉर्मेंस कितना अच्छा हुआ, वो आपके सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक है कि नहीं है, तो वो आपका, अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो दैट इज़ योर रिवॉर्ड। द रिवॉर्ड दैट फॉलोज एंड हाउ दीज आर परसीव विल डिटरमाइन सेटिस्फैक्शन। द मॉडल सजेस्ट दैट परफॉर्मेंस लीड्स टू सेटिस्फैक्शन। तो ये मॉडल क्या सजेस्ट करता है कि परफॉर्मेंस लीड्स टू सेटिस्फैक्शन। मतलब अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस है, आपके सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक है, तो ही आप अपने परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हो सकते हैं।
नेक्स्ट जो 10 है हमारा लास्ट, दैट इज रीइन्फोर्समेंट थ्योरी। रीइन्फोर्समेंट थ्योरी में फ्रेंड्स एक चीज़ बोली गई है यहाँ पे, ऑपरेंट कंडीशनिंग, और इसको बी एफ स्किनर ने दिया था जो रीइन्फोर्समेंट थ्योरी थी। तो इसमें मेन जो आपका पॉइंट है कि किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर जो है दैट कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम ए पर्सन पास्ट एक्सपीरियंस। तो इसमें जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो इसी को दर्शाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग अप्रोच क्या है कि टू बिहेवियर इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ इफेक्ट विच स्टेट्स दैट बिहेवियर विच हैज अ रिवॉर्डिंग कॉन्सिक्वेंसेज इज लाइकली टू बी रिपीटेड। कोई भी किसी की का भी बिहेवियर जो है वो रिपीट हो सकता है इन फ्यूचर। देयर इज ए पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट। ऑन दी अदर हैंड बिहेवियर दैट लीड्स टू निगेटिव और पनिशिंग कॉन्सिक्वेंसेज टेंड्स नॉट टू बी रिपीटेड। मतलब ये बताता है कि अगर आपने आपके बिहेवियर से अगर आपको कोई रिवॉर्डिंग कॉन्सिक्वेंसेज मिला है, कुछ आपको अच्छी चीज़ मिली है, तो आप इसको रिपीट करना चाहेंगे और इसी इससे आपको जो है वो पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट मिलेगी। और अगर आपके किसी बिहेवियर से आपको निगेटिविटी मिली है या आपको पनिशमेंट मिली है तो ये आप उसको दोबारा नहीं करना चाहेंगे। तो ये आपको निगेटिव रीइन्फोर्समेंट जो है उसको निगेटिव रीइन्फोर्समेंट कहते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे देखिए दे रहा है कि व्हेन ऑपरेंट कंडीशंस इज यूज्ड टू कंट्रोल बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडिफिकेशन। अगर इस ऑपरेंट कंडीशनिंग को अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है तो उसको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडिफिकेशन कहते हैं, या शॉर्ट में उसको OBMOD भी कहते हैं। तो इसका मेन पर्पस यही फ्रेंड्स कि अगर आपने अच्छा काम किया है तो आप उसको आपके अंदर पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट होगी, आप उसको दोबारा से करना चाहेंगे। और अगर आपके आपके किसी काम से आपको निगेटिविटी मिली है या आपको कोई पनिशमेंट मिली है या आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो आप उस काम को दोबारा नहीं करना चाहेंगे। तो वहाँ पर आपकी निगेटिव रीइन्फोर्समेंट आपको मिलती है जो कि आपको वो काम नहीं करने के लिए मोटिवेट करती है। तो ये हमारा मोटिवेशन थ्योरी जो था ये यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। इसी के साथ ये वीडियो हमारा यहीं ख़त्म हो रहा है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और नए वीडियोस के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल्स। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।